हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आज। और आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप गूगल मैप पर अपने घर को, दुकान को, कोई भी जगह को, गली के नाम को आसानी से ऐड कर सकते हैं गूगल मैप पर। जैसे कि आप देखते होंगे, जब भी गूगल मैप खोलते होंगे, आप तो खोले ही होंगे। आज इतना जनरल हो गया है चीज़, सबके फ़ोन में है, लैपटॉप में है ना, तो आपको जरूरत पड़ता है। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारा आदमी का नाम, घर का नाम, गली का नाम, आपके बगल में जो मस्जिद है, मंदिर है, हॉस्पिटल है, सिनेमा हॉल है, एटीएम है, जो भी है, वो सारा नाम आ रहा है। वो कैसे आता है दोस्तों? वो ऑटोमेटिक नहीं आता है, वो डाला जाता है कंपनी के द्वारा, गूगल के द्वारा, या आप भी खुद अपने से डाल सकते हैं अपने घर का नाम, अपने गली का नाम, दुकान का नाम। तो कैसे डालते हैं, उसी के ऊपर मैं वीडियो बना के लाया हूँ दोस्तों। हमारे वीडियो को पूरा देखिए और आप अपने घर का नाम डालिए, दुकान का नाम डालिए, जो भी डालना हो आसानी से गूगल मैप पर अपना नाम डाल सकते हैं। तो कैसे डालते हैं, हमारे वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जैसान और स्वागत करता हूँ आपका एक ग्लास चैनल में। आप किस तरह से अपने घर को, अपने दुकान को या अपने रोड को, नाम को डाल सकते हैं गूगल मैप पे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से? चलिए हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से डालना है आपको। आपको जो गूगल मैप है वहाँ से ओपन कर लीजिए आप, मेरा यहाँ पर है। चलिए हम मैप पर क्लिक करते हैं और गूगल मैप पर जो आप ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। ये मेरा सेटेलाइट मोड है, इसमें और आपका जो है जीपीएस ऑन करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप जीपीएस ऑन नहीं करते हैं तो वो आप प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जीपीएस ऑन करते हैं हम। चलिए, अगर आपको जीपीएस फोन से ऑन करने के लिए नहीं कह रहा है तो आपको अपने सेटिंग में आना है और इस तरह से देख रहे हैं आप अपने जीपीएस को ऑन कर सकते हैं। और जीपीएस ऑन करने के बाद अगर आपका सेटेलाइट मोड में नहीं है तो यहाँ से आना है आपको, थ्री डॉट पर क्लिक करके और नीचे आना है। और यहाँ देख रहे हैं सेटेलाइट, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर, सेटेलाइट पर क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक आपका सेटेलाइट मोड पर आ जाएगा। और उसके बाद जीपीएस ऑन रहने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि ये जो देख रहे हैं मेरा फ़ोन, जो डिवाइस मेरा ये लोकेट कर रहा है, जो जहाँ पर आपका डिवाइस है, जहाँ पर आपको नाम डालना है जिस जगह का, वो आपको फिक्स एकदम पॉइंट वहीं पर का वो लोकेट कर लेगा। इसलिए आपको जीपीएस ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपके डिवाइस को वो लोकेट करके जगह को लोकेट कर सके। ये देख रहे हैं, देखा, ये देख रहे हैं मेरा गोल बिंदा, वो मेरा डिवाइस का जो लोकेशन है वो दिखा रहा है। हमको यहाँ पर का जो है नाम ऐड करना है, जैसे मेरा घर का नाम है, दुकान का नाम है, कोई भी स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, आप वहाँ का आराम से लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं इसको, जितना बड़ा हो सके उसको आप बड़ा कीजिए और यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद ऐड ए मिसिंग प्लेस पे, ये देख रहे हैं ऑप्शन, उस पर आपको आना है। चलिए हम क्लिक करते हैं ऐड ए मिसिंग प्लेस। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ प्लेस, बिजनेस है, लिए लैंडमार्क है या हाउस ऑफ अपार्टमेंट है। चलिए मेरा हाउस नाम डालना है हमको, उसमें क्लिक करते हैं और आपको नेक्स्ट करना है। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको जो कंट्री है उसको आप चूज़ कर लीजिएगा, जैसे मेरा इंडिया है, मैं इसे चूज़ करता हूँ। उसके बाद आपका जो स्ट्रीट एड्रेस है वो डालना है। चलिए इसे हम डालते हैं। अहमद गली। उसके बाद आपको दिखा रहे स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2, वहाँ पर आपको, चलिए हम टाइप करते हैं अपना दूसरा, मान लीजिए हम डालते हैं करबला रोड। उसके बाद आप यहाँ अपना जो टाइप कर सकते हैं सिटी, जो आपको सिटी है, मान लीजिए जो भी है, यहाँ पर अपना पिन कोड डालिए, अपना स्टेट है जो सेट कीजिए और यहाँ पर
कर दीजिए, ये आपका कन्फर्म एड्रेस, और कन्फर्म कर दीजिए। थैंक यू फॉर इम्प्रूविंग गूगल मैप्स, यू हैव हेल्प अदर मेक्स बेटर डिसीजन अबाउट प्लेस टू यू। आपको यानी वो गूगल मैप्स पर इम्प्रूव हो चुका है, इसको डन कर दीजिए। अब आपको जो एड्रेस है वो वहाँ पर नाम शो होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है कि इसको बंद करेंगे, अप करेंगे तो वो शो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से अपना कोई भी जगह का, जो जगह हो, दुकान हो, घर हो, अपना नाम ऐड कर सकते हैं इस इजी ट्रिक से। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आपको ऐड नहीं हो रहा है, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।